जब से पाकिस्तान में फॉरेन फंडिंग केस का ऑब्जर्वेशन मैं कहूँगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आया है या वो रिव्यू आया है या इसको आप फैसला भी कह सकते हैं मगर वो फैसला ऐसा फ़ैसला नहीं है कि जिस पे फौरी तौर पर हुकूमत अमल दरामद कर सके लेकिन तब से पाकिस्तान में एक नई सियासी बहस ने जन्म लिया है कि आफ्टर ऑल पी आए, क्या इस ऑब्ज़रवेशन या फैसले की रोशनी में कमज़ोर हुई है या उसको सियासी तौर पर और रुतबा हासिल हुआ है इसी सिलसिला में आज हम बातचीत करेंगे इस्लामाबाद से हमारी साथी जर्नलिस्ट आरजू काजमी साहबा के साथ जो एक बहुत ही सीजेंट जर्नलिस्ट हैं और हम के शुक्रगुज़ार हैं हमेशा कि हमारे साथ जुड़ी रहती हैं और इसके अलावा इनका अपना यूट्यूब चैनल भी बहुत वाइब्रेंट यूट्यूब चैनल है खुश आमदेद कहता हूँ आरजू काजमी साहबा को थैंक यू सो मच सर शुक्रिया ये बताइए कि अभी मैंने एक सवाल सा एक आपके लिए यहाँ पे क्रिएट किया कि क्या इस फैसले या ऑब्जर्वेशन की रू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद शहादत का रुतबा यानी मज़ीद मकबूलियत मिल रही है या नुकसान हो रहा है सर मेरे ख़्याल से पाकिस्तान तरीकान इंसाफ को इससे नुकसान हो रहा है क्योंकि जो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सामने आया है वो काफ़ी टाइम से ऑलमोस्ट आठ साल से रोका जा रहा था और अगर ऐसी बात थी कि कोई नुकसान नहीं होना था तो शायद इमरान खान उसको रोकने की इतनी कोशिशें ना करते अब आठ साल के बाद फ़ैसला आया है और उसमें तकरीबन थर्टी फोर ऐसे लोग हैं जो कि फॉरेन नेशनल हैं जिनसे इमरान ख़ान को फंडिंग मिली है और इसके अलावा जो नंबर आया है थ्री फिफ्टी वन ऐसी कंपनीज हैं जो फॉरेन कंपनीज के नाम पे जिनका बताया जा रहा है कि उससे भी इमरान खान को फॉरेन फ़ंडिंग रिसीव हुई है इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया है इसके बाद इस मतलब सारे फैसले के बाद और उसमें उन्होंने ये भी कहा एंकर से कि एक साहब का नाम लेके आरिफ नकवी आपने सुना होगा कि उन उनके लिए कहा जा रहा था कि उन्होंने इमरान खान के लिए काफ़ी पैसे जो हैं वो दिए हैं और लेकर आए हैं तो ख़ान साहब ने कहा कि अगर थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग कर ली तो क्या बात हो गई उसमें इतना क्या इशू है तो इस किस्म की बातें इमरान खान कर रहे हैं उनकी पार्टी के लोग फोवाद चौधरी साहब का कहना है कि जी जल्दबाजी में फ़ैसला हुआ है तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जी आठ साल के बाद अगर फैसला आए तो उसको जल्दबाजी में नहीं कहा जा सकता फैसले को इसके साथ साथ ये भी हो रहा है कि ये भी बात की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन में ही जो काम पहले करते रहे हैं कमल दिलशाद उनका कहना है कि इससे इमरान खान की पार्टी पे जो है मुस्तकिल तौर पर कोई पाबंदी लगी लगाई जा सकती है इनके जितने मेंबर्स हैं वो डिसकॉलीफाई हो सकते हैं और पार्टी का जो लोगो है पी का वो भी इनसे लिया जा सकता है सिचुएशन uh, इस वक्त काफ़ी ख़राब है गवर्नमेंट भी अभी इस बात पे गौर कर रही है कि इनके नाम ए में डाल दिए जाएं फैसल वाउडा की आज एक वीडियो बड़ी वायरल है सोशल मीडिया पे जिसमें वो अमेरिका में घूमते फिरते नज़र आ रहे हैं और सभी जानते हैं कि फैसल वाउडा किस हद तक इमरान खान का साथ देते रहें और ऐसे ही एक एक करके इमरान खान के साथी जो हैं वो हमें यहाँ से जाते हुए या भागते हुए नज़र आ रहे हैं लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि इमरान खान को स्टैब्लिशमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है तो हो सकता है कि एक ग्रुप यानी सपोर्ट कर रहा है कि कोई तरीका निकाल लिया जाए दोबारा से खान साहब को बचाने का लेकिन फ़िलहाल जो मेजोरिटी यहाँ पर है उसका यही कहना है कि अभी इमरान खान को फिलहाल दीवार के साथ लगाया जाएगा और उन्हें कुछ साल के बाद लाया जाएगा और जिस वक्त सर ये टू में इमरान ख़ान की गवर्नमेंट आई थी उस वक्त ये भी कहा जा रहा था कि इमरान खान को चार साल के लिए लाया जा रहा है और उसके बाद इन्हें हटा देंगे ये बात उस वक्त से चल रही थी लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा था जब फॉरेन फंडिंग केस की बात की जाती थी जो कि 2014 से चल रहा है तब भी यही कहा गया था कि इस केस को रखा उस वक्त के लिए क्या है कि जिस वक्त वाकई में इमरान खान को हटाना होगा और किसी और को लाना होगा चाहे वो इनकी परफॉर्मेंस बैड परफॉर्मेंस हो चाहे कुछ भी हो उस टाइम के लिए केसेस रखे जाते हैं चाहे वो नवाज शरीफ साहब का केस आप देख लीजिए कि किस तरह से लाया गया और पानामा का करके और ये कि जी उन्होंने अपने बेटे से जो है वो सैलरी नहीं ली और उसके बाद हटा दिया गया अब ये चीज़ जो इमरान खान के सामने आई है वो उससे कहीं ज्यादा बड़ी है और लग यही राय है कि इस बार इनका बचना मुश्किल नजर आ रहा है जी आप ये कह रही हैं कि इस बार इनका बचना मुश्किल नज़र आ रहा है और जो ये फैसला इलेक्शन कमीशन का फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से आया है ये आप देख लीजिए ये तो गालबा 2012-13 तक के जो मामला हैं उनको समाप्त किया गया हम ये देखते हैं कि 2013 के बाद पीटीआई काफ़ी पॉपुलर हुई और फिर 2018 में इकदार में आई और अब दोबारा से पॉपुलर है तो 2013 के बाद के जो पीटीआई के हालात हैं उसके हवाले से भी तो फ़ौर फंडिंग के नए केसेस या नया पोर्टफोलियो बन सकता है क्या इस तरफ़ पाकिस्तान में कोई पेशर रफ्त किसी शख्स की तरफ़ से हो रही है किसी अदारे की तरफ से हो रही है कि 2013-14 के बाद जो पीटीआई को बाहर से पैसे मिले हैं उसका भी ज़रा जायज़ा और अहाता लिया जाए सर अकबर एक्स साहब हैं जो कि इमरान ख़ान की पार्टी के हैं और शुरू से उनके साथ रहे हैं ये केस उन्हीं ने ओपन करवाया था और वही इस बारे में ज़्यादा इस पर उन्होंने बहुत काम किया हालांकि बहुत कहा जाता है कि बड़ी कोशिश की गई उनको ख़रीदने की भी उनको डराने धमकाने की भी मगर वो किसी तरीके से भी जो है वो इमरान खान या उनकी पार्टी के काबू में नहीं आए तो लग यही रहा है कि अगर आगे ये सिलसिला चला तो उनके पास ही मज़ीद डिटेल्स होंगी जो वो लेकर सामने आएंगे लेकिन फिलहाल जितनी डिटेल्स आई हैं वो ही इमरान खान के लिए काफ़ी हैं कि उनको सियासत से अलग रखने के लिए और ये कि जो सादिक अमीन का एक ताज पहन के घूमते थे वो उनसे बहरल फ़ौरी तौर पर हट गया है और अब लोग उनको लोगों को समझ आ गई है कि इन्होंने भी चोरी की है और चाहे बड़ी हो या छोटी लेकिन बहर इनके, क्योंकि इनके एक जो पार्टी के मेंबर हैं शहबाज गिल उनका कहना है कि जी कोई खास बात नहीं है और अगर हमारी पार्टी बैन नहीं हो सकती और अगर कोई मसला हुआ तो हम पैसे दे सकते हैं जो पैसे हमारे हमें मिले थे लेकिन पार्टी के ऊपर ऐसा कुछ नहीं आ सकता लेकिन असल खतरा इमरान खान को यही है कि उनकी पार्टी को बैन किया जा सकता है और खुद उनको भी जो है वो पूरी लाइफ टाइम के लिए उनको कहा जा सकता है कि जी आप सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते तो बाकी और जो साल रह गए हैं उसके ऊपर भी लोग काम करेंगे क्योंकि जो लोग इस तरफ जा रहे हैं वो पूरा कवर करना चाहेंगे लेकिन फिलहाल जो है उस तरफ ज्यादा बात नहीं हो रही फिलहाल यही बात हो रही है जिसका भी फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद हो जी देखिए हम ये एक रियलिटी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर अल्टीमेट वही होता है जो पाकिस्तान आर्मी चाहती है जिस तरफ उनका रुझान होता है उसी तरह के डिसीजन और उसी तरह के मामला होते हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट भी फिर उसी रवश पे चलती है जो रवश आर्मी चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट या दूसरे इदारे अपनाएं हमने एक सतह पे देखा कि इमरान खान इकतदार से हट जाने के बावजूद इदारों में काफी पॉपुलर रहे हैं तो इदारों में उनकी पॉपुलैरिटी पर कितना फर्क पड़ेगा इस फैसले के आ जाने के बाद सर मेरा ख्याल है जो लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं इदारों की तरफ से जो कि दो ग्रुप्स बने हुए हैं और इसके अलावा बहुत से रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स भी हैं जो इमरान खान के साथ खड़े हैं है वो उसी तरह से उनके साथ रहेंगे और कोशिश भी की जाएगी कि किसी तरीके से वो एनआरओ जो वो कहते थे मैं किसी को दूंगा नहीं वो एनआरओ इमरान खान को दे दिया जाए और उनको यहाँ से निकालने की कोशिश की जाए चाहे ये कहा जाए कि जी उनके बच्चे याद आ रहे हैं या कोई भी बात करके अब अगर ज़्यादा गहरा तंग होगा तो इमरान खान यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे इसीलिए शायद गवर्नमेंट ये कह रही है कि इस में नाम डाल दिए जाए इन सब के इदारे के लोग बिल्कुल इनका साथ देते रहेंगे क्योंकि उनके अपने बहुत से ऐसे काम हैं जो इमरान खान से उन्होंने करवाने थे ख़ास तौर पे आ, वो लोग जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं जो बार बार हमें इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर भी नजर आते हैं आ, क्योंकि ज़ाहिर उनके बच्चे हैं और उनकी फ़ैमिली है तो उन लोगों ने किसी ने पार्लियामेंट में जाना है किसी ने बिजनेस करना है और इसी के लिए उन्होंने खुद इमरान खान के साथ वो लोग खड़े हुए नजर आते हैं हमको लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो जो इस वक्त मजबूत ग्रुप नज़र आ रहा है वो इमरान खान के अगेंस्ट वाला है वरना ऐसा ना होता कि ये फैसला भी आ जाता और ये भी कहा जा रहा है कि काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से और अब ये फैसला जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो फिर देखते हैं क्या होता है क्योंकि वहाँ पे भी कई लोग ऐसे हैं जो इमरान खान का साथ दे रहे हैं तो इस सारी सूरत हाल में आ, पाकिस्तान के अंदर आ, जो इकनॉमिक टर्मोइल है वो भी बहुत अहम है उस पर भी मैं थोड़ी सी आपकी राय लेना चाहूँगा लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो इमरान खान की पार्टी चाह रही है कि जल्द से जल्द हो उसके इम्कान कब आपको नज़र आ रहे हैं नहीं सर बहुत जल्द होते हुए इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे और लग ये रहा कि एलेक्शन अपने टाइम पर ही होंगे यानी कि नेक्स्ट ईयर अक्टूबर तक या अगस्त में उससे पहले मुश्किल है कि इलेक्शन हों और पहले ही तो ऐसा लग रहा था कि शायद हो जाए क्योंकि गवर्नमेंट भी थोड़ी सी घबरा गई थी इकोनॉमी वगैरह के लिहाज से भी अब जब से आर्मी चीफ ने अमेरिका में बात की है उसके बाद से जो है उम्मीद हो गई है कि कुछ फंड्स मिल जाएंगे आईएमएफ से और बाकी सब जगह से भी जहां जहां पाकिस्तान जाता है चाहे वर्ल्ड बैंक हो या सऊदी अरेबिया हो क्योंकि अब आर्मी ने खुल के अपने हाथ में ये चीज ले ली है और आर्मी चीफ ने जब बात कर ली जबकि इमरान खान का कहना था कि ये काम आर्मी चीफ को अपने साथ कभी चाइना और कभी कहीं ले जाते रहे और जाहिर पैसे मांगने के लिए ही जाते थे तो ये जब पैसे आ जाएंगे साथ ही साथ आज जो है वो डॉलर रेट भी कम हो गया है और स्टॉक एक्सचेंज भी कुछ बेहतर हुई है तो थोड़ी सी उम्मीद बनती है इस गवर्नमेंट को कि थोड़ा सा चल पाए और लोगों के अंदर दोबारा से थोड़ा सा एतमाद आए तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन बहुत जल्दी हम देखेंगे इलेक्शन टाइम पर ही होंगे और कहा यही जा रहा था शुरू से कि अगर दो से तीन महीने इस गवर्नमेंट को मिल गए तो ये कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर काबू में कर लेंगे और मुफ्ता इसमाइल साहब काफ़ी टाइम से कह रहे थे तकरीबन दो हफ्ते से मेरे ख्याल है दस पंद्रह दिन से वो कह रहे थे कि डॉलर रेट कम होगा और अभी यही हमने देखा कि आज बड़ी तेज़ी से एक ही दिन में डॉलर रेट काफ़ी कम हुआ है तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट अब अपना टाइम पूरा करेगी जी आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट अपना टाइम पूरा करेगी मौलाना रहमान ने भी पिछले दिनों वाज तौर पर कहा कि इलेक्शन तो अगले साल होंगे लेकिन पाकिस्तान के सियासी हालात ऐसे हैं कि उसमें कुछ कहना मुश्किल है कि वाकई ही इलेक्शन वक्त पे यानि अगले साल होंगे या किसी भी वक्त हो सकते हैं इस सारी सूरत हाल में आपने इकनॉमिक थोड़ी सी जो बेहतरी नज़र आ रही है उसकी बात की तो क्या आपको ये इकनॉमिक बेहतरी बहुत टम्प्रेरी किस्म की लग रही है या ये लगता है कि इसके असरात ज़्यादा पा होंगे ज़्यादा अंदाज से पाकिस्तान के लोग देख सकेंगे इसके सम्राथ नहीं सर देखें जो प्राइस बढ़ चुकी है किसी चीज की वो तो वापस नहीं जाएगी चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो चाहे वो वेजिटेबल्स हो या कुछ भी हो या कोई कपड़े हो जो मर्जी वो जो प्राइस बढ़ गई है वो वापस तो नहीं जाएगी लेकिन हाँ ये जरूर है कि मजीद नहीं बढ़ेगी और अगर आईएमएफ से लोन मिल जाता है वर्ल्ड बैंक से भी मिल जाता है और साथ दूसरी कंट्रीज भी जाहिर है कि वो अमेरिका की तरफ देखते हैं अमेरिका उनकी तरफ देखते हैं पाकिस्तान को देने से पहले वो सब कुछ हो जाता है तो फिर ये जरूर है कि कुछ देर के लिए इस महंगाई को इस तरह से कंट्रोल गवर्नमेंट करने की कोशिश कर, कर सकती है कि मजीद ना बढ़े अब जितनी हो गई है हो गई है लेकिन उसके अलावा ना हो तो उससे भी लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा फिर हो सकता है कि गवर्नमेंट अपने कुछ यूटिलिटी बिल्स के यानी बिजली के बिल्स पे जो है थोड़ा सा लोगों को रिलीफ दे और फ्यूल प्राइस भी कुछ कंट्रोल हो पाए लेकिन क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैसला जो इमरान खान के लिए आया है और आगे जाके भी हम यही देख रहे हैं कि थोड़ा सा और शायद खान साहब के लिए एक फाइनल डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी आ जाए तो एक तरफ मामला हो जाएगा ये जो अभी लोगों को समझ नहीं आ रही ये गवर्नमेंट रहेगी नहीं रहेगी कौन से आएंगे ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के लोगों को बल्कि उन लोगों को भी जिन्होंने दूसरे किसी कंट्री से पाकिस्तान के साथ डील करनी है चाहे वो पैसों में हो चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो या कुछ भी तो उन लोगों को भी अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये गवर्नमेंट रहनी है कि ये गवर्नमेंट जा रही है तो अब थोड़ी थोड़ी पिक्चर क्लियर हो रही है लेकिन जाहिर है जैसे आपने कहा कि ये पाकिस्तान है और यहाँ कुछ भी पॉसिबल है तो कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन फिलहाल 90 परसेंट यही लग रहा है कि चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी और लोग भी थोड़ा सा आराम से हो जाएंगे क्योंकि अब गवर्नमेंट जो है जब एक बार उनके लिए सबसे बड़े दुश्मन इस वक्त इमरान खान है और इमरान ख़ान ने जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की, की जिस तरह से फ़ॉरन पॉलिसी ख़राब हो गई इकॉनमी ख़राब हो गई हर चीज़ का अगर उनको ये यकीन दिला दिया जाए गवर्नमेंट को कि जी आपकी गवर्नमेंट कहीं नहीं जा रही आप काम कीजिए तो फिर शायद इनके पास टीम है कम अज कम जो पीपल्स पार्टी और पी एम एल एन है ये पहले भी रह चुके हैं तो इनके पास ऐसी टीम है कि ये थोड़ा बहुत जो है मुल्क को संभाल सकते हैं अगर पूरी तरह से नहीं तो कुछ परसेंट ऐसा जरूर हो सकता है कि थोड़ी सी बात संभल जाए आपने कहा कि पी के पास खास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नमाज ग्रुप और पीपल्स पार्टी के पास कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं जो हुकूमत चलाने का तजर्बा भी रखते हैं और चला भी सकते हैं और चला भी रहे हैं ऑन द अदर हैंड इमरान ख़ान का जो नैरेटिव आप ये समझती हैं कि वो काफ़ी डैमेजिंग है उससे इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हुआ और मुल्क के अंदर जो सियासी फ़जा बनी है वो भी काफ़ी जहर आलू है तो क्या इमरान खान और उनकी पार्टी के जो की लीडर्स हैं इस फॉरेन फंडिंग आ, के मामले में जो इलेक्शन कमीशन का एक तरह से फैसला आया है उस पर नर्वस हैं या वो ये समझते हैं कि कोई इशू नहीं है वो उसको हैंडल कर लेंगे सर वो सामने तो यही बता रहे हैं कि कोई इशू नहीं है हैंडल हो जाएगा चाहे वो शाह महमूद कुरैशी हो चाहे वो शेख रशीद हो शेख रशीद का कहना है कि ये तो वही बात हुई कि खोदा पहाड़ों निकला छुहा ये बात भी शेख रशीद ने कही है फवाद चौधरी भी जो है इसी किस्म की बातें कर रहे हैं और असद उमर सभी लेकिन जाहिर है इन्होंने ये तो नहीं बताना या इन्होंने रोना तो नहीं है कि हमारे साथ ऐसा हो गया है तो इन्होंने तो सामने सामने कॉन्फिडेंट ही अपने आप को दिखाना है और पीछे जाहिर है कोशिश भी हो रही होगी कि, कि किसी तरीके से बचाव हो जाए लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं था कि इमरान खान के पास टीम नहीं थी लेकिन इमरान खान को उनसे काम लेना नहीं आया और वो मेरा ख्याल है कि गलत लोगों को गलत जगह पे सेट करते चले गए कि जिसको जो काम नहीं आता उसको वहां लगा दिया उन्होंने एक वजह शायद इमरान खान के फेलियर की ये भी है वो ओवर कॉन्फिडेंट थे उनको लग रहा था कि बस मैं हूं तो बस काफी है मेरा होना काफी है और हर चीज़ में हमारे यहाँ के वैसे हर पॉलिटिशन में हर पॉलिटिकल पार्टी में ये बीमारी ज़रूर है कि ये लोग खुश लोगों को बहुत पसंद करते हैं वो इनको ये बता दे कि सर ये आप गलत कर रहे हैं या ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए तो ये माइंड कर जाते हैं और उसके साथ ही उस इंसान को जो है वो ये पार्टी से तकरीबन निकाल ही देते हैं इमरान खान ने भी यही कहा था कि जब इनको गवर्नमेंट मिली है और बल्कि गवर्नमेंट मिलने से पहले ही इनको इतला तो मिली चुकी थी कि इनको लाया जा रहा है ये कौन सा वोटिंग वोट करके आए होते हैं ना ही ये जाते हैं क्योंकि इमरान खान ने ये भी कहा कि इनको तो आठ महीने पहले ये भी मालूम था कि इनको हटाया जा रहा है और इसी वजह से सारी गड़बड़ कर रहे थे चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो या इकोनॉमी पे तो ऐसे ही इमरान खान को आने से पहले भी मालूम था कि इनको एज अ प्राइम मिनिस्टर ला रहे हैं उस वक्त से ही इन्होंने इनकी पार्टी के कई ऐसे लोग हैं जो अच्छे काम कर सकते थे इनके साथ कुछ बेहतरी आ सकती थी उनको इन्होंने पार्टी से अलग कर दिया और जो इन्हें वाह कर रहे थे कि बस खान साहब आप तो बस आप ही हैं उनको इन्होंने आगे रखा और यही वजह इनके फेलियर की भी बनी और मेरे ख्याल है जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको इस गलती को दोहराना नहीं चाहिए क्योंकि आपको मालूम है चापलूसी तो उन सबको ही पसंद है चाहे कोई भी पार्टी हो उनकी पिक्चर्स जो आती हैं जिस तरह से ये डील करते हैं जिस तरह से ये बात करते हैं अपने जो उनके वर्कर्स होते हैं उनके साथ या अपनी पार्टी के मेम्बर्स के साथ तो ये गलती अगर हमारी पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज करना छोड़ दें तो बहुत कुछ बदल सकता है आरजू आप वहाँ पे जो ग्राउंड पे सूरत हाल है उसको कैसे देखती हैं क्योंकि हमने यहाँ कैनेडा में बैठे हुए इस बात को समझा कि इमरान ख़ान हुकूमत से बाहर हो जाने के बाद वहाँ की नौजवान नस्ल को काफ़ी हद तक मोबलाइज़ करने में कामयाब हुए और फिर जो पंजाब के ज़मनी इंतबात हुए उसके नतयज भी हमें बताते हैं कि इमरान ख़ान अब वाकई ही ग्राउंड पे स्टैब्लिशमेंट की मदद के बग़ैर भी लोगों को अपने लिए इकट्ठा करने में कामयाब हुए एटलीस्ट वोट लेने में कामयाब हुए ये अलग बात है कि उनके धरने कामयाब ना हो सके ये सब कुछ है लेकिन इस वक्त एज़ ऑफ टुडे ख़ासतौर पर इस फैसले के आ जाने के बाद आपको ग्राउंड पे क्या लगता है कि लोगों की क्या राय है इमरान खान की पार्टी के हवाले से भी औरकूमती इतिहाद के हवाले से भी सर लोग डिवाइडेड है आप कह सकते हैं कि 50 परसेंट इमरान खान का साथ दे रहे हैं और 50 परसेंट साथ नहीं दे रहे हैं एक जो चीज़ इमरान खान ने ख़ास पे तो जो नई जनरेशन है जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ख़राब कर दिया इमरान खान ने बाकी किसी पार्टी ने ऐसा नहीं किया लेकिन इमरान खान ने जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको बिल्कुल एक तरह से ऐसे तबाह करके रख दिया है कि उन्हें जो बात पसंद नहीं आती है तो सोशल मीडिया पे कुछ भी कहते हैं और कुछ भी करते हैं अभी आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन दो तीन दिन पहले एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है पाकिस्तान आर्मी का और इमरान खान के सपोर्टर्स उसके ऊपर खुशियां मना रहे थे ट्वीट्स ऐसी की जा रही थी कि बड़ा अच्छा हो गया इसके अंदर बाजवा साहब क्यों नहीं था ये लिखा जा रहा था अब इस किस्म का माइंडसेट जो इमरान खान ने बना दिया है जो कि पहले नहीं था ये बीस इक्कीस सालों के अंदर इस तरह का माइंडसेट बनाया गया है और ये बड़ा खतरनाक है इसमें ये लोग जो हैं सिर्फ उसी चीज को मानेंगे कि इमरान खान जीते तो ठीक है और अगर नहीं जीते तो सब कुछ गलत है चाहे किसी ने वोट दिया हो ना दिया हो काम किया हो ना किया हो इन्होंने सिर्फ एक चीज बल्कि आपको हैरत होगी कि यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसी ऐसी गाड़ियां भी हमें नजर आईं जिनके ऊपर पीस भी अपॉर्निम लिखा था इमरान खान की पिक्चर के साथ और इमरान खान को एक पैगंबर का एक प्रॉफिट का दर्जा दे रहे हैं ये इनके सपोर्टर्स और उस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है इमरान खान का कहना है कि अगर जिसने मुझे वोट नहीं दिया तो वो शिरक करेगा आपसे कबर में सवाल किया जाएगा कि इमरान खान का साथ दिया या नहीं दिया इस किस्म की बातें इमरान खान कर रहे हैं और बुरी तरह से मज़हब को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है और अगर ये इसी तरह करते रहे तो कोई दिन दूर नहीं जब लोग एक दूसरे की गर्दनें काटना शुरू कर देंगे इसी बात के ऊपर आपने जिक्र किया बलुचिस्तान में एक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने का जिसमें पाकिस्तान के सीनियर आर्मी अफसरान आ, उसमें आ, हलाक हो गए इस सारी सूरत हाल को सोशल मीडिया पे डिफरेंट तरह से देखा जा रहा है जबकि मीडिया और पाकिस्तान के रियासी इदारे हमें यही बता रहे हैं कि ये एक हादसा है लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसे भी तसरत दिए जा रहे हैं कि शायद इस हेलीकॉप्टर को गिराने में बलोच सेपरेटिस्ट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं आपको वहाँ पे क्या हकीकत देखने और सुनने को मिल रही है क्या ये एक हादसा ही था या इसके पीछे कुछ साजिश भी हो सकती है नहीं सर वैसे तो ये हादसा ही लग रहा है क्योंकि मौसम काफी खराब था और वो लोग गए भी इसी वजह से थे कि वहां पे लोग फंसे हुए हैं खराब मौसम की वजह से और बीएलए या किसी भी अगर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने किया है तो वो एक ऐसे ही अपना नाम ले रहे हैं क्योंकि ये चीज काफी लोगों ने महसूस की है कि यह हादसा जो था वो मौसम की वजह से हुआ है और क्योंकि मैं इतनी एक्सपर्ट तो नहीं हूं लेकिन लोगों ने ये कहा कि जिस तरह से हेलीकॉप्टर में आग लगती है या कोई डैमेजेस होते हैं तो अगर नीचे से कोई चीज मारी जाए कोई मिसाइल या कुछ तो उसका उसके अंदाज अलग होता है उसका जबकि अगर कोई वैसे गिरा हो मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर या कोई प्लेन तो उसके डैमेजेस डिफरेंट होते हैं तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये मौसम की वजह से ऐसा हुआ है और इसकी और कोई दूसरी वजह नहीं बताई जा रही लेकिन जो सोशल मीडिया है उस पर हर तरह के लोग मौजूद हैं हर तरह की बात कर रहे हैं लेकिन सबसे अफसोसनाक बात यह है कि एक तो मतलब आर्मी का प्लेन गिर गया है जिससे कि जो भी पाकिस्तानी है उसको अफसोस होना चाहिए लेकिन यहाँ पर इमरान खान के सपोर्टर्स जो है खुशियां मना रहे हैं जबकि मेरे कई इंडियन दोस्त जो हैं उन्होंने भी जो है उसी रात यानी हम लोग देख रहे थे अपडेट्स देख रहे थे तो मुझे मुसलसल मैसेजेस आ रहे थे और वो मुझसे अफसोस कर रहे थे कि यह हादसा हुआ है और नहीं होना चाहिए था और बड़ा नुकसान हो गया लेकिन हमारे अपने मुल्क के लोगों के दिमाग में ऐसी चीज़ें इमरान खान की पार्टी की तरफ से भर दी गई हैं कि जो हम उस पर सोशल मीडिया पर देख रहे थे और उसको देख के सिर्फ अफसोस ही हो रहा था आपने ज़िक्र किया सोशल मीडिया पर इमरान खान के कुछ सपोर्टर्स की तरफ से इस हादसे पे खुशियाँ मनाने के हवाले से जो वो पोस्ट कर रहे हैं तो इमरान ख़ान ने तो बहुत ही दुख का इजहार किया अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में क्या आपको अभी भी लगता है कि इमरान खान की पार्टी के ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पे एटलीस्ट वो इस हादसे को एक तरह से सैडली एंड अनफॉर्चुनेटली सेलिब्रेट कर रहे हो बिल्कुल सर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जिस तरह की नफरत दिलों में डाल दी गई है खासतौर तो पे आर्मी के लिए और बाजवा साहब के लिए जिस तरह के ट्रेंड चले हैं उन्हें गद्दार तक बोला गया और क्या कुछ नहीं कहा गया मैंने मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी आर्मी चीफ के लिए इस तरह के वर्ड्स पढ़े हों सोशल मीडिया के ऊपर या बोले गए हों तो ये चीज़ अब इमरान खान चाहे जो मर्जी स्टेटमेंट दें लेकिन जो चीज़ उन्होंने एक तरह से पॉइजन की तरह से लोगों को दे दी है खासतौर तौर पर नई जनरेशन को उसमें से वो ख़ुद भी अगर चाहेंगे तो उनको निकाल नहीं पाएंगे और ये एक बहुत बड़ा नुकसान है जो इमरान खान की पार्टी ने किया है बाकी मैं ये नहीं कह रही कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज़बरदस्त हैं या बहुत अच्छा काम उन्होंने मुल्क के लिए किया या हम बिल्कुल हमारे हर प्रॉब्लम से हमें निजात दिला दी लेकिन कम अज़ कम इस तरह का जहर जो है वो किसी और पार्टी ने नहीं किया जो इमरान ख़ान ने किया और इसके लिए अगर वो चाहेंगे भी अब इमरान खान तो इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर पाएंगे और फेक आईडीज़ थी बहुत से हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने शेयर भी किए और आप देख सकते हैं चाहे वह अंसर अबासी और लोग तो ये तक कहा ट्विटर को टेंट करनी चाहिए और इन अकाउंट्स को बंद करना चाहिए लेकिन वो फेक आईडीज हैं वो बंद भी हो जाए तो वो दूसरी बना लेंगे कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन असल चीज ये है कि लोग क्या सोच रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं और क्या नफरत उनके अंदर है वो वो अफसोसनाक बात है हम क्रिटिसाइज मैं भी करती हूँ आर्मी को लेकिन हम हाँ उन जर्नल्स को करते हैं जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं जो सिविलियन लोगों की जगह पे जॉब पे चले गए हैं या जो मुल्क के लिए जो है खा पी के भाग जाते हैं उनकी बात की जाती है हम आम सिपाही या आम फौजी और इस तरह के उन, उनको हम कुछ नहीं कहते और यही चीज मेरा ख्याल है कि लोगों को भी समझने की जरूरत है और लेकिन ये कि सिर्फ इमरान खान का साथ नहीं दिया जा रहा तो इसलिए जो ग्रुप है एक कहना चाहिए जो इमरान खान के अगेंस्ट ग्रुप है उसको बुरा भला हर तरह से कहा जा रहा है और ये चीज बड़ी अफसोसनाक है बहुत आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगा कि इमरान खान और उनकी पार्टी की तरफ से पाकिस्तान की फ़ौज और ख़ास तौर पर जनरल बाजवा को बहुत टारगेट किया गया और उसके नतीजा में पाकिस्तानी फ़ौज को भी टारगेट किया गया लेकिन क्या ये सिलसिला अब फॉरेन फंडिंग केस के जो रिजल्ट्स हैं जो पेश किए हैं इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान ने उसकी रोशनी में क्या ये नेरेटिव और तेज़ होता आपको नज़र आ रहा है पी की तरफ से या अब वो एहतियात करते नज़र आ रहे हैं खाम खा की टारगेटिंग करने से नहीं सर मुझे ऐसा नहीं लगता हो सकता कि जिनके जो पार्टी मेंबर्स हैं इमरान खान के यानी जो मिनिस्टर्स रह चुके हैं इमरान खान के साथ जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं वो शायद एहतियात कर सके लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनको ये सिखा दिया गया है वो नई जनरेशन जिसको ये बताया गया है मुझे नहीं लगता कि जैसे मैंने कहा कि उसको इमरान खान भी कंट्रोल कर पाए लेकिन ये जरूर है कि एक बार पहले भी इमरान खान ने कहा था कि हम आर्मी के खिलाफ नहीं है और हम उनके खिलाफ बात नहीं करेंगे लेकिन फिर वही बात हुई और उसी तरह से इमरान खान बात करते रहे कभी न्यूट्रल कह के और कभी कुछ करके बार बार एक तरफ ये लोग कहते हैं कि आर्मी जो है वो कोई मदाखलत ना करे हालांकि पाकिस्तान जैसी कंट्री में ऐसा होता ही नहीं कि आर्मी की मदाखलत ना हो हमेशा से रही और हमेशा रहेगी सियासत में लेकिन दूसरी तरफ ये पॉलिटिशियंस खुद ही आवाजें दे देकर बुलाते हैं कि हमें बचाओ और हमारी गवर्नमेंट ले आओ तो जाहिर है नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो चाहे बेनजीर भुट्टो साहबा की थी या शहबाज शरीफ साहब की इमरान खान की सबको आर्मी ही लाई है और आर्मी ने ही हटा दिया है ये तो सारी दुनिया जानती है अब इनके इनकार कर देने से कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है अभी थोड़े दिन पहले भी आर्मी ने कहा कि जी हम जो है वो नरम मदाखलत करेंगे अब उस नरम मदाखलत का क्या मतलब है ये तो वही बता सकते हैं लेकिन बहरहाल इसका मतलब यही है कि इंटरफेयर करेंगे और इंटरफेयर करते रहेंगे तो इमरान खान को ये बात समझनी होगी लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ग्रुप उनके साथ है वो उनको कुछ मेरे ख्याल गलत ही पट्टियाँ पढ़ा रहा है या फिर खान साहब ख़ुद समझने को तैयार नहीं है कि अब उनको हट जाना चाहिए और बाद में फिर कभी आ जाए लेकिन इस वक्त मुल्क का कोई नहीं सोच रहा यहाँ के लोगों का कोई नहीं सोच रहा इस वजह से हमारी हालत है बहुत शुक्रिया आरजू काजमी हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें वक्त दिया व्यूर्स बातचीत सुन रहे थे इस्लामाबाद से आरजू काज़मी साहबा की उन्होंने इस वक्त की जो पाकिस्तान की सियासी मुआशी और वहाँ पर जो टग ऑफ वॉर है बिटवीन पोलिटिकल स्टेक होल्डर्स उस पर भरपूर तरीके से रोशनी डाली आप आरजू काज़मी साहबा का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए इसके साथ साथ टैग टी वी का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्स एप्पल एंड्रॉयड एमज़ोन और रॉको पर भी डाउनलोड कीजिए आज की बातचीत सुनने और देखने का बहुत शुक्रिया Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.